अब क्या है? मुझे अपनी हॉस्टल लाइफ याद आ रही अच्छा, है। कैसी थी? बहुत मज़ेदार था। मज़ा आया न्यू था। कैंपस हॉस्टल में रहते थे, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे, तो मज़ा आता था वहाँ हाँ पे, है? जबरदस्त। तो चलिए फिर मैं आपको आपके हॉस्टल में वापस लेके चलता हूँ। हाँ, अच्छा अगला गाना जो है ना, उसका नाम है हॉस्टल और ठीक आर्टिस्ट है शेरीमान। चेक करते हैं कि गाना कैसा है। परमीश वर्मा हर जगह पर ही होता है। इसमें भी है। हाँ, ये आया भागता भागता। वाह आहा। वाह है। चचा में लड़की वाला हॉस्टल है। तेरे आली आ गई हाँ है। वहाँ लड़की और लड़कों के इतने करीब हॉस्टल होते हैं। मैं होता तो बहुत दूर थे, और दूसरे लड़कियों के हॉस्टल में इतना बड़ा ताला लगता था शाम को। होगा। ये प्राइवेट हॉस्टल लग रहे हैं। यार इतनी आजादी है। इकट्ठे कर रहा है अब दोस्तों का सारा वो। नहीं।
पहुंच गए। हाँ पहुंच गए उसी कमरे। वहाँ कोई नए आ गए हुए हैं ना, तो उन्हीं के साथ उनको भी साथ में ला लिया। जबरदस्त, बहुत अच्छा गाना था। स्टूडेंट लाइफ आई फिर तो याद है, स्टूडेंट लाइफ जाहिर है वो तो होती मजे की है। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत इतनी बेफिक्री वाले दिन जो है दोबारा कभी नहीं आते जिंदगी में। ये तो है। तो गाइस ये था गाना हॉस्टल बाय शेरीमान, और बहुत खूबसूरत गाना। और एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, परमीश वर्मा कहाँ कहाँ है। मुझे लगता है हर जगह पे है परमीश वर्मा। वो ये बनाते हैं ना म्यूजिक शायद हाँ देसी क्रू में क्या है हाँ नहीं, लेकिन ये वो। मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ वो अभी वो थे मॉडल वगैरह या कोई इस तरह की अच्छा चीज़, अच्छा क्योंकि गाना पुराना लग रहा है मुझे। ठीक है। तो बहरहाल वो तो हमें कमेंट्स में पता चल जाएगा कि क्या इसका बैकग्राउंड है। तो गाइस ये था हमारा गाना मजे रिएक्शन, का था, बहुत खूबसूरत गाना, जबरदस्त और लगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। रब रख। अल्लाह हाफिज़।